ये क्या है सब, क्या हो रहा है? ये सामान है, ये मेरे और फायजा के कपड़े हैं, ये जूते हैं, ये फायजा की किताबें हैं, यहाँ यही रख दो। किसकी इजाजत से तुमने ये सामान यहाँ मंगवाया और किसकी इजाजत से रख रही हो इस घर में? भला अपने घर में रहने के लिए मुझे किसकी इजाजत चाहिए? ये घर जितना आपका है उतना मेरा है, बल्कि मेरा हक इस पे कई ज्यादा है आपसे। आप अनवर की बीवी 3 साल तक थी और मैं अनवर की बीवी पिछले 16 साल से हूं। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि तुम अनवर की बीवी हो और ये उसकी बेटी है? सबूत चाहिए? मैं देती हूं तुम्हें। ये ले, मेरे और अनवर का निकाह नाम। निकाह नामा झूठा भी हो सकता है, इसमें ये कहां लिखा है कि ये अनवर की बेटी है? आपको कोई हक नहीं है मेरे किरदार पे इस तरह उंगली उठाने का, कीचड़ उछालने का। अगर मैं चुप हूं तो उसकी एक वजह है, बोल पड़ी ना तो मुंह छुपाती फिरेंगी आप। अच्छा बस बहुत हो गई तुम्हारी बकवास, अपना सामान लो और निकलो यहां से, वरना मैं उठा के सामान भाग फेंक दूंगी, सामान को भी और तुम दोनों को भी। ऊंची आवाज में मैं भी बात कर सकती हूँ आपसे, कई ज्यादा ऊंची आवाज में। लोग क्या कहेंगे, अच्छी सौकने थी, 2 दिन भी आपस में गुजारा नहीं कर सकी? ऐसे नहीं समझोगी तुम, हटो यहाँ। अरे बड़ी अम्मी ने बता दिया, क्या नहीं कर बड़ी अम्मी का? जुनेद, देखो झगड़ा हो रहा है नीचे। झगड़ा किसका? आवाज सुनो। तो क्या हो गया यार? निकलो मेरे घर से। मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जा रही, ये मेरे मरहूम शौहर का घर है, यहाँ से कोई भी मुझे नहीं निकाल सकता। हम नहीं जा रहे यहाँ से। पहले मैंने सोचा था कुछ दिन तुम लोगों को यहाँ रुकने दूंगी, लेकिन बहुत बड़ी गलती की मैंने। जिस वक्त तुमने इस घर में कदम रखा और तुमने कहा कि अनवर की कुछ लगती हो, उसी वक्त मुझे तुम्हें बाहर निकाल देना चाहिए था। अभी भी देर नहीं हुई है। जुनेद, फरीद, इसका सामान लाओ और बाहर फेंको घर से। खबरदार, खबरदार, अगर मेरे इनके बीच में कोई भी आया भी। और रही मुझे निकालने की बात, इतना दम किसी में भी नहीं है यहाँ पे। तुम्हारे कुछ राज हैं मेरे पास, अभी जबान पे आ जाएंगे। उठाओ, चलो अंदर।